हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में। तो फर्स्ट जानते हैं कि स्केलेटल मसल होता क्या है। जो मसल हमारे बोन्स के ऊपर है, हमारे स्केलेटन के ऊपर है, जो हमें विजुअली दिखाई देती है, उसे स्केलेटल मसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट हो गया, बाइसेप हो गया, ये सब हमारे स्केलेटन मसल है। तो स्केलेटल मसल के अंदर होता क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर मसल के बारे में पकड़ते हैं, जैसे बाइसेप ब्रकाई। बाइसेप ब्रकाई ये एक मसल है, उस एक मसल को हम जनरली मसल बैली भी बोलते हैं। मसल बैली किसी भी पर्टिकुलर मसल के सारे मसल फाइबर के कलेक्शन को मसल बैली बोलते हैं। इस मसल बैली को एक मेम्ब्रेन होता है, या बोल सकते हैं एक कवरिंग होती है, जो इस मसल बैली को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसे हम एपिमाइजियम बोलते हैं। ये एक कवरिंग की तरह होती है, एपिमाइजियम बोलते हैं। ओके, ये एपिमाइजियम क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है। और दूसरा चीज़ होती है कि ये फ्रिक्शन, जो मसल के बीच का फ्रिक्शन होता है, उसको कम करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मसल अगल बगल है या ऊपर नीचे है, तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करती है, जिससे एक मसल दूसरी मसल के ऊपर ईजिली स्लाइड हो सकती है, ईजिली मूव हो सकती है। हमारे मसल बैली के अंदर बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने कई सारे सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये फैसिकल्स हैं, हर फैसिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे पेरिमीजियम भी बोलते हैं। ये पेरिमीजियम एक फैसिकल को दूसरे फैसिकल से सेपरेट करती है। अगर फैसिकल को मैं और टिश्यू लेवल पर ड्रॉ करूँ, तो हर फैसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। इन मसल फाइबर को मसल सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेल्स की लेंथ है ना, काफ़ी लंबी होती है, तो इसे मसल फाइबर कहना ज़्यादा सही रहेगा। मसल फाइबर के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, ये यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहने का मतलब जो सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं वो यहाँ पे रिसीव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लिफ्ट करना है, तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, इस मसल फाइबर में। मसल फाइबर में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वो सिग्नल रिसीव करेंगे और एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे हम इसको लिफ्ट कर पाएंगे। तो ये इस तरह काम करता है। और ये जो हमारा मसल फाइबर है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे मसल फाइबर के अंदर होती है, वह है मायोफिब्रिल्स। यहाँ पे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। जो भी हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी है, वो मायोफिब्रिल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मायोफिब्रिल में होते हैं बहुत सारे सर्कोमियर्स। सर्कोमियर्स बोल सकते हैं कि हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। जब भी हम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो सिर्फ इस सर्कोमियर के कारण ही होती है। ओके, यहाँ जो मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, इसे जेड लाइन बोलते हैं। जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही सार्कोमियर बोलते हैं। इसके बीच ही सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा, जो एक्टिन और मायोसिन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सारे प्रोसेस होती क्या है, और कैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या थ्योरी यूज़ होती है, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में भी हमें पूरी बातें डिस्कस करने जा रहा है। और इस मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं, मेनली एक्टिन एंड मायोसिन। जो भी हमारे कहानी के, जो कॉन्ट्रैक्शन की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके जो हीरो हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन ही हैं। ओके, तो इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। पिछले डायग्राम में मैंने सर्कोमियर के बारे में बात की थी, और एक्टिन और मायोसिन जो मायोफिलामेंट्स हैं उनके बारे में बात की थी। अब उसका मैं पूरा डायग्राम शो करके बता रहा हूँ कि वो होते क्या हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, और हमारी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, सो देखते हैं हमें। जैसे ये रिलैक्स्ड मसल है, जब हमारी मसल रिलैक्स स्टेट में हो, मतलब हम कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मसल कैसी रहती है। जो दो चीज़ हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये एक तरह के प्रोटीन है, जिसको एक्टिन में मेरी थिन फिलामेंट है, जैसे मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया, एक थिन लाइन ड्रॉ की, ये थिन फिलामेंट है। वहीं दूसरी तरफ मायोसिन एक थिक फिलामेंट है। ओके, ये मायोसिन थिक फिलामेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें समझने वाली, आप ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे जो एक्टिन है, ये सारे एक्टिन हैं। ओके, एक्टिन, ये एक्टिन, 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 ये मायोफिलामेंट। अब यहाँ पे एक जेड लाइन के बारे में मैंने बताया था लास्ट डायग्राम में, इसको सैक्रोमियर भी बोल रहे थे। वो क्या होता है कि ये जब कनेक्ट करेंगे इसको, एक्टिन को एक्टिन से, तो एक लाइन फॉर्म होती है, जिसको मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक तरह का मेम्ब्रेन फॉर्म होता है ये। तो ये जो जेड लाइन फॉर्म हो रही है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये मेम्ब्रेन है यहाँ। इस पूरे हिस्से में हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम सैक्रोमियर भी बोलते हैं। यहाँ पे जब ही, अभी तो रिलैक्स स्टेट है, रिलैक्स स्टेट में क्या है कि मायोफिब्रिल, सॉरी मायोसिन यहाँ बीच में है और एक्टिन ऊपर है,
लेकिन जैसे ही हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्टिव स्टेट में आती है, जैसे मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे मसल के अंदर क्या हो रहा है, अभी जो मायोसिन है वो एक्टिन के अंदर आ गया, ओके, जिससे ये हमारी एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। अब यहाँ पे दो चीज़ और आपको समझनी चाहिए, वो है कि ये जो मायोसिन है ये एक तरह का डार्क बैंड होता है, जिसे हम मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, इसे एनिस्ट्रोपिक भी बोलते हैं, और एक ये आई बैंड होता है जो एक्टिन का बैंड होता है, जिसे लाइट कलर का बैंड होता है, जिसे हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। मसल फाइबर हमेशा स्ट्राइटेड फॉर्म में दिखते हैं, कुछ डार्क लगेंगे कुछ लाइट लगेंगे, इस तरह से होते हैं। तो जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है मसल की, वो एक्टिन और मायोसिन के कारण ही आती है। यहाँ पे दो और चीज़ हैं, वो है कि ये जो मायोसिन है, इस मायोसिन में भी एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम एम लाइन भी बोलते हैं, एम लाइन, ये हुई अपनी जेड लाइन, ये जेड लाइन हुई, ये दोनों जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सर्कोमियर भी बोलते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब दोनों जेड लाइन पास आती है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे जब मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ तो दो जेड लाइन जो अंदर हैं वो पास आती हैं, पूरा कॉन्ट्रेक्शन इन्हीं के बीच में होता है। रिलैक्स स्टेट में जो ये डिस्टेंस बीच में दिख रहा है, जो कवर अप नहीं हुआ है, उसे एज लाइन भी बोलते हैं, एज जोन। हमारी मसल कन्वर्ट करती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये ऐसे कन्वर्ट करती है कि जब हमें कॉन्ट्रेक्शन करना होता है, तो जो ये मायोसिन्स हैं, मायोसिन को चाहिए होती है कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए एटीपी। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल जब तक मिलते हैं इसको, तो वो एटीपी ब्रेक होता है एडीपी और फॉस्फेट में, और जैसे ही ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तभी ये कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये इससे कंबाइन हो जाता है, तब ये इस तरह का मूवमेंट टेक प्लेस होता है। लेकिन जब तक हम मायोसिन को एटीपी मिलती रहेगी तो हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता रहेगा, क्योंकि जब एटीपी मिल रहा है तो ये एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक होगा और मायोसिन एक्टिन के साथ कंबाइन होगा, जब कंबाइन होगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, जैसे ही हर कहानी में विलेन होता है, वैसे ही हमारी इस कॉन्ट्रेक्शन की स्टोरी में भी दो विलेन हैं, उन विलेन का नाम है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। यह एक केमिकल्स हैं जो एक्टिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जब एक्टिन में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी काम क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, इनकी बाइंडिंग, मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग को ये होने नहीं देते अगर ये प्रेजेंट है। लेकिन हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर होता है। ये मेनली मसल फाइबर जो मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम आयन जब प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होता है, वी जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ये इसके साथ कंबाइन होते हैं, कैल्शियम आयन जब इनके साथ कंबाइन होंगे तो ये दोनों बिजी हो गए कैल्शियम आयन के साथ। जब कैल्शियम आयन के साथ बिजी हो गए और एटीपी मिल रहा है, तो अपना ये कॉन्ट्रेक्शन है वो ईजिली अचीव होता रहता है। जब जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई हो रही है इनको, एटीपी मतलब यहाँ तक पहुँच रहा है, तब तक बहुत अच्छा मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। जो सारी चीज़ें मैंने बताई वह स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहलाती है, जहाँ पे मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके। एज अ फिटनेस फ्रीक और एज अ बॉडी बिल्डर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ओके। और ये जो मैंने टॉपिक अभी बताया, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिकल एग्ज़ाम में भी आता है, जैसे नीट में इसके कई सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। इस वीडियो को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे बार बार रिवाइंड करके पॉज करके देखें, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ऐसे ही क्लासिफाइड एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में देता रहता हूँ, तो वो जानकारियाँ आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।